दोस्तों, एलन मार्क्स जो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, वह भारत में अब एंट्री करने वाला है। तो एलन मार्क्स भारत में एंट्री क्यों करने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ऐसा है कि टेस्ला कंपनी जो कि एलन मार्क्स का है, वह भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएगी। यह कंपनी अमेरिका में अपना इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है और यह अब भारत में भी आके इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएगी। यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब यह इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो जो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है वो गाड़ी अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा क्योंकि उसका जगह अब इलेक्ट्रॉनिक कार ले लेंगी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले लेगी। तो दोस्तों, अभी दुनिया में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक मौजूद है और दोस्तों अभी जितने भी कंपनी है सारे लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एलन मार्क्स ने कहा है कि 2021 में वह अपना कार लाने वाला है और उसके लिए वह भारत के बेंगलुरु में वह रजिस्ट्रेशन भी करवा चुका है, वहीं से कारें बनेगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि दुनिया में अभी कितना जल्दी इलेक्ट्रॉनिक बाइक और कार पेट्रोल कार और बाइक की जगह लेगा। लेकिन अभी भी देखने में ये आता है कि लोग, बहुत सारे लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कार या बाइक को प्रेफरेंस नहीं करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि कितना बार बार चार्ज करते रहेंगे। इसी के ऊपर कंपनी काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा माइलेज देने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है रिवोल्ट का एक बाइक इंडिया में, क्योंकि वह एक चार्ज पे यानी 3 से 4 घंटा चार्ज करिए और आपको वह 150 किलोमीटर का माइलेज देता है, यानी आप 150 किलोमीटर तक उसको चला सकते हैं। और कंपनी इसी को माइलेज को बढ़ाने में और भी बहुत सारा काम कर रहा है। तो हो सके आने वाला फ्यूचर में कम से कम चार्जिंग में ज्यादा से ज्यादा माइलेज देगा। तो आप लोगों का क्या कहना है इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक के बारे में? क्या ये डीजल और पेट्रोल कार या बाइक से ज्यादा अच्छा है या फिर पेट्रोल और डीजल कार ही आप लोगों के ज्यादा बेटर है? मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।